बच्चों, जब हम शाम के समय में गाड़ी से जाते हैं और हमारे आंख के सामने अचानक से कुछ आ जाता है तो हम अपनी पलकें बंद कर लेते हैं। ऐसा ही कुछ जब हम गर्म चीज़ों को छूते हैं तो हम अपने हाथ को तुरंत हटा लेते हैं। इसी प्रकार से अगर हम पैदल चल रहे हो और हमारे पैर में कुछ चुभ जाए तो हम अपने पैरों को भी हटा लेते हैं। तो इस प्रकार की प्रतिक्रिया जो होती है, इनकी सूचना समय समय पर हमारे शरीर के अंगों के द्वारा मिलती है। चलो बताओ, तो इसमें कौन कौन से अंग शामिल होंगे? मेरुरज्जु और मस्तिष्क। वेरी गुड। और साथ ही तंत्रिका कोशिका भी इसमें शामिल होते हैं, ठीक है? तो चलो, इसे समझने के लिए हम एक क्रियाकलाप करते हैं। ओके मैम। प्रिया, तुम्हें इस लकड़ी को जो मेरे हाथ में है, इसका एक ऊपरी सिरे को पकड़ना है, ठीक है? और रिया, तुम्हें इस अंतिम छोर को पकड़ने की कोशिश करनी है। और प्रिया, इसे छोड़ने के पहले तुम रिया को बताओगी, ठीक है? रिया, अब मैं काउंटिंग कर रही हूँ। जैसे मैं वन बोलूँगी छूट जाएगा, तो मैं पकड़ना है, ठीक है? 3, 2, 1। तो रिया, तुम इसका अंतिम छोर नहीं पकड़ पाए, तुमने लकड़ी बीच से पकड़ी। ऐसा क्यों हुआ? तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि प्रिया ने सूचना रिया को दी और ये सूचना कानों से होते हुए हमारे तंत्रिका तंत्र से होते हुए मेरुरज्जु से मस्तिष्क में पहुंची। जब तुमने बोला और ये सूचना रिया के कानों तक पहुंची, कानों से ये सूचना मस्तिष्क में गई और इसके प्रति प्रतिक्रिया हाथों के द्वारा व्यक्त हुई। इसलिए तब तक ये लकड़ी नीचे आ चुकी थी, जिसके कारण तुम इसका अंतिम छोर नहीं पकड़ पाए।